लेकिन आज इस तरह की पोजीशन है, परिस्थिति इस गांव में रेगिस्तान में है, तो हाउ मच यू आर फील? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है, इतने सारे शौचालय बनाने की जरूरत है, तो जगह जगह बहुत तरक्की हुई है इस मामले में, जगह जगह नहीं हुई है, पर मैं काम ही नहीं निकालना चाहती। मैं यही कहूंगी कि आप लोग भी, एक्चुअली मैं संदेशा ले जाऊं, इससे अच्छा आप पेपर में अगर लिखते तो इसका ज्यादा असर होगा। आपको ये लिखना चाहिए बिकॉज कलम की ताकत ज्यादा होती है, और लिखिए, और आई एम श्योर कि यहाँ भी आप देखेंगे कि ज्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में काम कर रहे हैं। अगर विद्या बालन जैसी फिल्म अभिनेत्री अगर इस तरह से अनुरोध करेगी तो जो ज्यादा है जो हाईलाइट होगी बात, अगर शौचालय के लिए कच्छ के रण में कच्छ के लोगों के लिए पर्टिकुलर अगर आप कोई मैसेज देंगे उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी 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 जी, थैंक यू। और मैडम, जो पिक्चर आने वाली है आपकी, अपकमिंग पिक्चर, क्या स्टोरी है उसकी? यही है कि एक गृहिणी है सुलू, जो अपनी दुनिया में अपने पति और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है, पर उसमें उत्साह है, जोश है कि उसे सब कुछ करना है, सब कुछ एक बार ट्राई करना है, ये उसका मन है कि मैं कर सकती है। जो भी उससे आप बोलो वो बोलेगी रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल में जाए, मैं कर सकती है। टिकट खरीदा हो नहीं हो, जहाँ कैसे जाना है उसको कुछ नहीं पता होता, पर वो सोचती है कि मैं सब कुछ कर सकती है, और इसी वजह से उसको एक लेट नाइट आरजे का जॉब मिल जाता है, और ये बहुत ही एक अलग जॉब है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये दिन में अपने घर को संभाल रही है, परिवार को संभाल रही है, वो उस उन चीजों में व्यस्त रहती है जो हम मंडेन चीजें कहते हैं ना, रोजमर्रा की चीजें, और फिर रात को जो है माइक के सामने जाती है तो बुद्धि है, तो एकदम मतलब रात और दिन का फर्क हो जाता है। उसको ये जॉब मिलता है और फिर उसकी जिंदगी कैसे बदलती है, इसी की कहानी है तुम्हारी सुनो। एक फैमिली फिल्म है, सबके लिए कुछ ना कुछ है इसमें। पहली बार बतौर किरदार में इतना मुस्कुराई हूँ, इतना दिल खोल के हंसी हूँ, नहीं तो मैं हंसी बहुत हूँ पर कैमरा बंद होने के बाद इस बार क्या सीन में मुझे हंसने का मौका मिला है, नाचने का, गाने का, मस्ती करने का बहुत मौका मिला है। हाय भावना, पर उन्होंने एक ऐसा किरदार लिखा जिससे मैं हूबहू तो नहीं कहूंगी, पर बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे मैं रिलेट कर पाती हूँ, बहुत मिलता जुलता है हम दोनों के बीच। ये विद्या की लाइफ की टैगलाइन है, मैं कर सकती है, मैं कर सकती है, बिल्कुल। और हर एक का मैं यही कहूंगी कि जो आप करना चाहे लाइफ में, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस बैकग्राउंड से भी हैं, आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, और अगर आप पुलिंग है तो आप कर सकता है भी सोच सकते हैं। मैं ये जो कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर करने के लिए आपका योग, मतलब सुलू के ऊपर विद्या बालन जी का जो योगदान है वो हेलो में कितना था? एक्चुअली मेरे डायरेक्टर जो है वो इतनी अच्छी तरह वो हेलो बोलते थे, मुझे सिर्फ उनको देख के कॉपी करने की जरूरत पड़ी, पर मैं अपना कुछ उसमें ऐड करना चाहती थी, तो मैंने कुछ थोड़ा तड़का भी लगाया है उसमें। ये वाला मैंने जब ट्रेलर में देखा, अमेजिंग इतना बस। तो आपने ये रेडियो, ऐसा जो रेडियो शोज भी चलते हैं, अगर आप रेडियो सुनेंगे तो लेट नाइट शोज भी चलते हैं, तो आपने कहीं सुना, मतलब ट्राई किया? आप पहले बताइए आप कितना सुनते हैं। मैडम, आप जवानों के साथ आज गई थी बॉर्डर पे, तो उनके साथ क्या बात शेयर हुई, कुछ बात शेयर करें? यही मैंने कहा कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से हम बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी पाते हैं। हम लोग
पर्दे पर हीरो बनते हैं पर असली हीरो तो आप लोग हैं। और यही शुक्रिया अदा किया उनके साथ, थोड़ा बहुत हमने गाने गाए, थोड़ा बहुत नाचे, अलग अलग भाषा में जितना मुझे आता है, मैं बोली किसी से मैंने सीखा कुछ और मैं अभी भूल गई हूँ नहीं पर वो क्या था, मणिपुरी सीखा पर मैं अभी भूल गई हूँ। तनु जी, हम आपसे भी कुछ इस मूवी के बारे में जानना चाहेंगे, आप इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, तो प्लीज थोड़ा सा। मैंने अपने करियर में कम से कम 35 मूवीज की हैं, पर जब ये स्क्रिप्ट हमें पिछले साल मिली हमें बहुत खुशी हुई, बिकॉज दिस इज अ रियल फैमिली फिल्म, बहुत ही हैप्पी मज़ेदार खुश किस्म की फैमिली फिल्म है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन द फिल्म। जब डायरेक्टर ने फिल्म लिखी, डायरेक्टर साहब ने कहा कि इस किरदार को सिर्फ विद्या बालन ही निभा सकती है, दिस फिल्म हैड बीन रिटन ओनली फॉर विद्या बालन, इफ विद्या हैड सेड नो टू दिस फिल्म वी प्रोबेबली वुड नॉट हैव मेड दिस फिल्म, सो दैट्स हाउ ऑटोमैटिक एंड दैट्स हाउ टेलर मेड दिस फिल्म इज फॉर विद्या। और पिछले साल मैं एक्चुअली अहमदाबाद आया था, ताकि जहाँ गुजरात टूरिस्ट जो है उन्होंने हमें इन्वाइट किया था, इनफैक्ट सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को इन्वाइट किया था सिनेमैटिक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस के लिए जो अहमदाबाद में हुआ था, और ऑल ऑफ अस प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ अस फिल्म मेकर रियली फेल इन लव विद द वार्मथ ऑफ गुजरात, एंड गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात टूरिज्म हैज बीन वेरी वेरी रिसेप्टिव, वेरी कोऑपरेटिव इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेटिंग फिल्म्स, फैसिलिटेटिंग टेलीविजन शूट्स, एड शूट्स इन गुजरात। तो जब इस बार हम लोग अपनी फिल्म की मार्केटिंग प्लान कर रहे थे, तो हम लोग ने ख्याति से बात की और कहा कि हमें गुजरात से इतना प्यार है, क्यों ना हम अपनी फिल्म की जो कैरेक्टर है विद्या की कैरेक्टर शुरू में कर सकती है, इसे लेकर हम रण उत्सव में आए कि रण उत्सव इतना कलरफुल, वाइब्रेंट, लाइवली फेस्टिवल है, शुरू का कैरेक्टर भी उसी तरह बहुत ही एनर्जेटिक और फन लविंग है, तो रण उत्सव और शुरू में बहुत सिमिलैरिटीज है, सो दैट्स हाउ इट्स हैपेंड एंड दैट्स व्हाई वी वर्क टुडे, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी आर डिलाइटेड टू बी हियर एंड सेलिब्रेट द वेरियस स्प्लेंडर्स दैट द रण उत्सव हैज टू ऑफर। Hi again. Tanuj Garg. Garg. G-A-R-G. Hi Vidya. एक सवाल मेरा, हिंदी सिनेमा की अगर बात की जाए, अगर डर्टी पिक्चर से आपकी फिल्मों को गिना जाए, बॉबी जासूस हो, कहानी वन हो, टू हो, या जितनी भी फिल्में आ रही है, तुम्हारी सुल्लू की बात की जाए, आपने ऐसा कहा जा सकता है कि प्रोटैगनिस्ट को रीडिफाइन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हीरोइन को कम ही ध्यान में रखकर फिल्में लिखी जाती है हिंदी सिनेमा में, तो आप उसका एक हिस्सा बन रहे हैं, जो चेंज है हिंदी सिनेमा में कि हीरोइन की सेंट्रिक फिल्में आप बन रही हैं, और आपकी खासकर लगातार फिल्में जो हैं हीरोइन बेस्ड, जिसे हीरो कहा जा सकता है, वैसी फिल्में लगातार आ रही हैं, तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि इस दौर में मैं सिनेमा में आई, मैं सिनेमा में काम कर रही हूँ, जबकि समाज में बदलाव हो रहा है, और देखिए कहानियाँ जो है समाज से ही उठाई जाती हैं, समाज से ही प्रेरित होती हैं, तो इस वजह से जो महिला किरदार आजकल लिखे जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, एंटरटेनिंग होते हैं, और इस दौर में मैं काम कर रही हूँ, मैं भूखी एक्टर हूँ, जब मुझे अच्छा किरदार मिलता है तो मैं टूट पड़ती हूँ उससे और मेरे लिए देखिए मैं ये नहीं सोचती कि मुझे सिर्फ महिला प्रधान फिल्में करनी है, पर मुझे बहुत अच्छी अच्छी महिला प्रधान फिल्में ऑफर हो रही हैं, और मैं बस उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा रही हूँ।